Hello everyone, I'm Sonal Tanwar, your educator. Welcome to the Hindu Analysis classes. Today is my first lecture about the Hindu Analysis. I hope you will enjoy it. So let's move to our first news, which is with heat harvest over, Punjab registers spike in stubble burning. Here, stubble burning is going to be important for our prelims point of view. What is stubble burning? Here you can see stubble burning is a common practice followed by farmers to prepare field for sowing of wheat in November, as there is little time left between the harvesting of paddy and sowing of wheat. होता क्या है कि पुराना crop की जब harvesting हो जाती है और उसका residue जो बच जाता है, जो farmers क्या करते हैं उसके residue को जला देते हैं next crop को उगाने के लिए. तो इस practice को हम stubble burning कहते हैं. Stubble burning results in emission of harmful gases, which is कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ पार्टिकुलेट मैटर्स. हेयर यू कैन सी द पीरियड्स ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ वीट. सो लेट्स मूव. व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स? अब फार्मर क्यों यही स्टबल बर्निंग को अडेप्ट करते हैं और इसको ही क्यों प्रेफर करते हैं, उसके कुछ रीजन्स हैं. तो फर्स्ट रीज़न इज दे डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव्स. अब फार्मर्स इतने अवेयर नहीं होते कि उनको पता हो कि कोई और मेथड भी होता है, कोई और स्कीम्स भी हैं, तो इतने एजुकेटेड नहीं होते इन सब चीज़ों को लेकर. इसलिए वो स्टबल बर्निंग, अपना नेचुरल ट्रेडिशनल वे जो चलता आ रहा है उसे ही प्रेफर करते हैं. उनको ये सबसे चीपेस्ट वे भी लगता है. सेकेंड पॉइंट इज़ कैन नॉट अफोर्ड द न्यू टेक्नोलॉजी. अब फार्मर्स जो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड तो काफ़ी सारी है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वो इतने अमीर नहीं हैं. ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, इसलिए उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर सकें. सो दिस कुड बी द सेकंड रीज़न. थर्ड रीज़न इज़ लेस इनकम. अब जो फार्मर्स के पास जो एग्रीकल्चर एरिया होता है वो वैसे ही कुछ तो उनका डैमेज हो जाता है, कुछ उनके पास डेप्थ भी होता है. अब जो फार्मर्स हैं वो आधे तो डेप्थ में ही चले जाते हैं और उनके पास, इसलिए उनके पास इनकम भी लेस होती है, इसलिए वो नए जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको वो यूज़ नहीं कर पाते. नाउ हियर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टबल बर्निंग. हियर यू कैन सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टबल बर्निंग. इट क्विकली क्लियर्स द फील्ड. बहुत फास्ट मेथड है, आग लगाई और हो गया, बस छोड़ दो. किल्स वीड, जो वीड्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं. किल्स ड्रग्स एंड अदर पेस्ट. कैन रिड्यूस नाइट्रोजन टाइप. हेयर आर द डिसएडवांटेजेस. यू कैन राइट दीज पॉइंट्स इन योर मेन आंसर राइटिंग. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज हीट वेव स्वीप्स नॉर्थ इंडिया. सो हेयर हीट वेव इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रिलिम्स. अब हीट वेव होता क्या है? अब जैसे कि जून का महीना आने वाला है तो मानसून सीज़न आने वाला है, लेकिन हीट वेव इतनी ज़्यादा चल रही है कि न्यूज़ आई है कि जो मानसून है वो डिले हो जाएगा, वो जून के एंड में आएगा. सो हेयर व्हाट इज़ हीट वेव. हीट वेव इज़ कंसिडर्ड इफ़ मैक्सिमम टेम्परेचर of a station reaches at least 40 degrees Celsius or more for plains. Here you can see for plains and 30 degrees Celsius or more for coastal stations and at least 30 degrees Celsius or more for hilly regions. अब यहाँ पर जो areas होते हैं उनको temperature के basis पर divide किया गया है कि plains पर कितना temperature होगा, coastal stations पर कितना temperature होना चाहिए और hilly regions पर कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. तभी वो पता लगा पाएंगे IMD कि हीट वेव आ रही है या नहीं आ रही है. अब इसके कुछ हेल्थ इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, वो क्या हैं? अब नॉर्मल सी बात है, इतनी हीट होएगी तो डिहाइड्रेशन होगा, हीट क्रैम्स पड़ेंगे और हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक्स. चिल्ड्रंस एंड एल्डरली एंड दोज प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज़ आर पर्टिकुलरली वनरेबल, जो बाहर काम करते हैं
बाहर वर्कर्स होते हैं वो तो पूरा दिन बाहर रहते हैं, उनका तो काम ही वही है, तो उनके लिए ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। वेजिटेबल वेंडर्स, कैब ड्राइवर, कंस्ट्रक्टर, पुलिस पर्सनल, ये सब भी तो बाहर काम करते हैं, इन सब के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। हेयर द नेक्स्ट न्यूज़ इज प्री सिकिंग टर्मिनेशन ऑफ 24 वीक्स वेटर्स विद डाउन सिंड्रोम रिजेक्टेड। हेयर द न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज दिस द डाउन सिंड्रोम। वट इज़ दिस डाउन सिंड्रोम? इट इज़ अ डिजीज दैट इज वाइड रेंज ऑफ डेवलप इन विच वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट डिलेज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमारी एज के साथ जैसे हमारी सोचने समझने की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो हमारे डेवलपमेंट होता है वो ठीक से हो नहीं पाता है, तो इसमें जेनेटिक ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जीन्स के थ्रू आता है। 21 क्रोमोसोम्स मटेरियल जब इन्फेक्टेड हो जाता है तब ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। हेयर यू कैन सी द सेकेंड पॉइंट, डाउन सिंड्रोम कॉजेज अ डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट डिलेज। इट मे बी एसोसिएटेड विद थायराइड और हार्ट डिजीज। ओके सो हेयर आवर नेक्स्ट न्यूज इज जनरल नारावेन हैज हर्ट गुरखा सेंटीमेंट्स सेज नेपाल मिनिस्टर। अब क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट एक महीने से, नेपाल और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं काला पानी को लेकर। तो ये काला पानी क्या है, ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। सो हियर यू कैन सी व्हाट इज़ काला पानी एंड वेयर इज इट इज़ लोकेटेड। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ उत्तराखंड, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, शेयर अ बॉर्डर ऑन द नॉर्थ विद द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना एंड नेपाल इन द ईस्ट एंड साउथ। ये कहाँ पर है, नॉर्थ के जो नेपाल है, हेयर यू कैन सी, हेयर यू कैन अंडरस्टैंड, ये यहाँ पर, ये काला पानी यहाँ पर लोकेटेड है चाइना के ऊपर, सॉरी चाइना के नीचे, नेपाल के ऊपर और इंडिया के उत्तराखंड के एकदम कोने पे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हु कंट्रोल द एरिया। अब नेपाल कहता है, नेपाल ने अपना एक मैप रिलीज़ किया था रिसेंटली जिसमें उसने दिखाया था कि काला पानी उसके एरिया में आता है, तो इंडिया ने बोला था कि नहीं नहीं ये तो गलत है, जो काला पानी है वो तो हमारे एरिया का पार्ट है। तो इस पर इंडिया और नेपाल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो एक्चुअली द क्वेश्चन इज़ काला पानी है किसके एरिया में, तो ऑफिशियली जो काला पानी है वो इंडिया के ही एरिया में है। द एरिया इज़ इन इंडियाज कंट्रोल बट नेपाल क्लेम्स द रीजन बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल एंड कैटोग्राफिक रीजन। सो वट इज़ द कॉज ऑफ डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट की वजह क्या है। सी ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, द काला पानी रीजन डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द रिवर काली। एक रिवर है जिनका नाम है काली, वहाँ से इसका नाम पड़ा है काला पानी रीजन का। नेपाल्स क्लेम टू द रीजन इज बेस्ड ऑन दिस रिवर एज इट बिकम द मार्कर ऑफ द बाउंड्री ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ सोगाली। हेयर दिस ट्रीटी इज इम्पोर्टेंट, आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। सो द ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सगोली, किस किस के बीच में हुआ था, साइन बिटवीन द गुरखा रूलर्स ऑफ नेपाल ऑफ काठमांडू विच इज़ इन नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द गुरखा वार, यानी कि एंग्लो नेपाल वार। ड्यूरेशन इज 1840 से लेके 16 तक, और ये ट्रीटी है ये रेटिफाइड हुई थी, मतलब लीगली बाउंड हुई थी 1816 में। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी नेपाल लॉस्ट द रीजन ऑफ कुमाऊँ गढ़वाल इन द वेस्ट एंड सिक्किम इन द ईस्ट। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल जो है वो हार गया था, नेपाल ने कुमाऊँ गाँव वेस्ट के साइड में और सिक्किम ईस्ट के साइड में
लॉस्ट कर दिया था. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, द किंग ऑफ नेपाल गेव अप हिज क्लेम्स ओवर द रीजन वेस्ट ऑफ द काली विच ओरिजिनेट्स इन द हाई हिमालयस एंड फ्लोज इनटू द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो इस ट्रीटी के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो काली रिवर है वो एक बाउंड्री की तरह एक्ट करने लग गई थी कि काली दोनों के बीच क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, कि जो काली है, काली रिवर है, वो एज अ बाउंड्री बन गई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि काली रिवर के वेस्ट में जितना भी एरिया है वो आप छोड़ दो, वो अब हमारा हो चुका है, आप उसको लॉस्ट कर चुके हो, और काली रिवर के ईस्ट में जितना भी एरिया है वो आप रख लो, वो आपकी ही टेरिटरी है. तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ सगोली के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, द ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी द ब्रिटिश रूलर्स रिकोगनाइज नेपाल्स राइट टू द रीजन दैट फेल टू द ईस्ट ऑफ द काली. उन्होंने बोल दिया था कि काली रिवर के जो ईस्ट में जितना भी एरिया है वो आपका हुआ, और जितना भी वेस्ट में एरिया है वो हमारा है, अब इसके आगे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा. तो अब क्या हो रहा है कि जो नेपाल है वो क्लेम कर रहा है कि नहीं, अब जो काला पानी एरिया है वो हमारे अंडर आता है, जबकि जो काला पानी एरिया है वो रिवर के वेस्ट साइड में आता है. सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ द डिस्प्यूट. आई होप यू विल लाइक माई वीडियो. If you really like my video, do subscribe my channel and like my video. Thank you so much. Have a nice day.